बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिक टॉक शो। आई होप के आप लोगों ने हमारा लास्ट जो शो है वो देखा है और आपने उसमें बहुत इंजॉय किया होगा। और इसी तरह आज हमने एक और, जैसे कि आपको बताया था कि हुज़ैफ़ा पटेल जो एक हैं क्रिकेटर हमारे, तो उससे पहले मैं आपको हमारे जो नईम तैयब जो हमारे साथ मेरे को होस्ट हैं, मैं उनको लाइन पे लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नईम तैयब। और सबसे अच्छी बात यह है कि इंडिया पाकिस्तान जनरली तो इश्यूज होते हैं, लेकिन हम लोग क्रिकेट के थ्रू इतने प्यार हैं आपस में एक दूसरे के साथ कि हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं। और हुज़ैफ़ा पटेल का मैं ये कह सकता हूँ कि जितने ये दिखने में मासूम और भोले नजर आते हैं, जो जो क्रिकेट खेलता है उनसे पूछिए आप कि ग्राउंड में कितने खतरनाक हैं ये। और मैं इनको ये कहता हूँ, जेंटल द जायंट किलर, इतने अच्छे क्रिकेट प्लेयर हैं ये। सिर्फ आज हमारे साथ मौजूद हैं, इनका ताल्लुक कोयम्बटूर इंडिया से है और ये अपना सारा इंट्रो खुद देंगे, मैं खुद कुछ नहीं कह सकता। ये माशाल्लाह इतना हैवी इनका इंट्रो है कि ये खुद ही आपसे सारी चीजें डिस्कस करेंगे। हुज़ैफ़ा पटेल, वेलकम टू हुज़ैफ़ा पटेल इन क्रिक टॉक शो। अस्सलाम वालेकुम अमीर भाई, नईम भाई एंड ऑल द व्यूअर्स, वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी, ये शो में मुझे एक पार्टिसिपेट करने का आप लोगों ने मौका दिया, थैंक यू सो मच। हुज़ैफ़ा, मैं यही कह रहा था इंट्रो में कि बेसिकली इंडिया पाकिस्तान भी एक प्लेटफॉर्म पे क्रिकेट के थ्रू एक है, ठीक है। और हम लोग वैसे तो कभी कभी मौका मिलता है कि हम लोग आपस में खेलते हैं या मिलते हैं, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। और मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करूंगा कि जैसे इनिंग आप अपनी टीम के लिए खेलते हैं ना, आज आपको इस प्लेटफॉर्म से भी वही इनिंग खेलनी है, सिंगल सिंगल नहीं करना है आपने। आपने माने चौके छक्के सारे, 12-12 रन का एवरेज है आपने। और वो वाला हुज़ैफ़ा पटेल हमें चाहिए आज, कि जो दिल की बात बोले अपनी सारी, जो कहीं रह गई हो ना वो सारी आज सुनने को मिले हमारे व्यूअर्स को। जी नहीं भाई, इंशाल्लाह कोशिश तो जरूर करूंगा कि जो भी है फैक्ट सब शेयर करूं आप लोगों के साथ। हुज़ैफ़ा, आपने बताएं आपने कैसे शुरू की क्रिकेट, कहां से किस तरह से शुरू हुई सारी आपकी जर्नी, क्या आपको अप्स एंड डाउन्स मिली अपनी जिंदगी के अंदर, कैसे ग्रो किया आपने एज ए क्रिकेटर, एज ए ह्यूमन बीइंग। नईम भाई एंड ऑल माय व्यूअर्स, आई स्टार्टेड मेरा क्रिकेट आके मैंने अंडर 14 से स्टार्ट किया। मैं जब 10th स्टैंडर्ड में था तब से मैंने क्रिकेट शुरू किया। यहाँ पे जो होता है, मैं एक्चुअली इरोड एक छोटा सा टाउन है कोयम्बतूर से अराउंड 100 किलोमीटर से, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। यहाँ अपनी कम्युनिटी है, अराउंड हम लोग यहाँ पे 27 अपने मकान है, यहाँ पे हम लोग मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन होता है, जब पहली बार मैं स्कूल में था तब स्कूल में सबको नोटिस बोर्ड पे डाला हुआ था कि ऐसे एक डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन है अंडर 14 के लिए, तो मैं वहाँ पे गया और लकीली मैं सिलेक्ट हुआ था। उसके बाद से मैं थोड़ा क्रिकेट सीरियस लेना शुरू किया, तुरंत तो चांस नहीं मिला मुझे डिस्ट्रिक्ट टीम खेलने के लिए। उसके बाद अंडर 16 के लिए रिप्रेजेंट किया मैंने, मेरा जो टाउन है, मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है इरोड, उसको रिप्रेजेंट किया। फिर धीरे धीरे मैंने अंडर 16 को फिर अंडर 19 में रिप्रेजेंट किया। उसके बाद यहाँ पे मतलब जो तमिलनाडु है वहाँ पे उसका सिस्टम कैसा रहता है कि यू रिप्रेजेंट ए डिस्ट्रिक्ट, अगर आप अच्छा करते हो डिस्ट्रिक्ट के लिए तो पूरा भी जो तमिलनाडु में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है, अराउंड 25-26 डिस्ट्रिक्ट्स है, उनका सब एक टीम बनता है, कंबाइंड डिस्ट्रिक्ट करके एक टीम बनता है। देन वो आके जो चेन्नई है, जो हमारा मेन क्रिकेटिंग एक्टिविटीज यहाँ पे होता है, तो चेन्नई के साथ मैच होता है कंबाइंड डिस्ट्रिक्ट्स और चेन्नई, उसको सिटी बोलते हैं हम क्रिकेटिंग, इसमें सिटी बोलते हैं, सिटी वर्सेस डिस्ट्रिक्ट मैच बोलते हैं। तो वंस आप अगर डिस्ट्रिक्ट में अच्छा करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कंबाइंड डिस्ट्रिक्ट में आप सिलेक्ट होते हो, फिर उसके बाद सिटी के साथ मैच होता है, देन अगर उसमें भी आप अच्छा करते हो तो फिर तमिलनाडु का एक स्टेट टीम बनता है। तो पहली बार मैं मेरा स्टेट रिप्रेजेंट किया मैंने, अंडर 16 में रिप्रेजेंट किया स्टेट को, 2 साल अंडर 16 खेला मैं। फिर उसके बाद अंडर 19 में भी सिलेक्ट हुआ मैं, अंडर 19 में 3 साल खेला हूँ तमिलनाडु के लिए। देन अंडर 22 होता है उसका नेक्स्ट कैटेगरी, अंडर 22 भी खेला मैं। अंडर 22 जब मैं ख़त्म किया 2003 में, तो आई हैड रिप्रेजेंटेड द रणजी ट्रॉफी साइड, वहाँ पे भी सेम पैटर्न रहता है कि जो भी
सिलेक्शन होता है, आपका पूरा डिस्ट्रिक्ट मिलके एक टीम बनता है, उसमें मैंने सेलेक्ट हुआ। फिर रणजी ट्रॉफी खेला मैं दो साल, 2004-2005 और 2005-2006, ये दो सीजन खेला मैं। उसके बाद एक अनफॉर्चुनेटली मेरा एक लिगामेंट टियर हुआ लेफ्ट फुट में, आई हैड टू बी इन द हाउस फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर। वो मेरा एक पीक टाइम था, जो बोलते हैं ना एक क्रिकेटर का जो भी एक पीक होता है, वो मेरा एक वो सीजन चल रहा था, पीक सीजन था मेरा वो, जब मैं रणजी ट्रॉफी खेल के नेक्स्ट सीजन बिल्कुल मेरा पूरा वन ईयर इंजरी से खराब हो गया। उसके बाद आई ट्राई टू मेक अ कमबैक, मैं वापस तीन चार साल प्रोफेशनल क्रिकेट खेला मैं, आई रिप्रेजेंटेड अंडर 25 स्टेट। देन धीरे धीरे जैसे रिप्रेजेंटेशन कम होना लगा, मतलब रणजी ट्रॉफी के लिए जब सिलेक्शन धीरे धीरे कम हुआ, तब थोड़ा सीरियसली, मतलब अभी क्रिकेट तो अभी भी चालू ही है लेकिन जो सीरियस रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ा कम होते गया बस। और अभी तक जो भी है मेरा जो रिप्रेजेंटेशन होता है मेरा सिटी के लिए, चेन्नई लीग एवरी ईयर मैं जाता हूँ खेलता हूँ। अभी तो मैं फिलहाल कोयम्बतूर के लिए खेलता हूँ, इरोड अराउंड 10 साल हो गया अभी मैं कोयम्बतूर क्रिकेट के लिए शिफ्ट हुए हुए, ओनली फॉर क्रिकेट। तो कोयम्बतूर के लिए रिप्रेजेंट करता हूँ मैं, वहाँ पे भी जो लीग होता है वहाँ पे सब टूर्नामेंट्स लीग एंड चेन्नई में जो लीग्स होता है सब रिप्रेजेंट करता हूँ। और अपनी जो अपने कम्युनिटी के जो भी टूर्नामेंट्स होते हैं वो भी मैं कोशिश करता हूँ कि सब अटेंड करूँ। बस यही एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरा, छोटा सा तो नहीं काफी हैवी है। होसेफा माशाल्लाह आप एक एकेडमी भी रन कर रहे हैं भी शायद। यस एकेडमी उसका भी थोड़ा बताएं और हमें ये भी थोड़ा सा बताएं कि क्या उस एकेडमी में हमारे कोई कम्युनिटी के भी ऐसे बच्चे हैं कि जिनको आपको लगता हो कि वो टैलेंट है और जिस पे आगे चल के शायद कोई हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर निकल के आए। देखिए नहीं बन, ये एकेडमी जो है मेरा, जो एकेडमी का नाम है फ्यूचर स्टार्स क्रिकेट एकेडमी, मैं ये एकेडमी लास्ट ईयर शुरू किया। बहुत सालों से तो प्लान था कि अगर अभी एज तो एज भी हो रहा है कि जब क्रिकेट खेलना बंद करेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, तो कुछ ना कुछ आई हैड टू गिव बैक जो भी मुझे क्रिकेट ने सिखाया है। मुझे बहुत शौक है पहले से ही सबको सिखाने का, क्रिकेट जो भी मुझे आता है मैं शेयर करूँ यंगस्टर्स के साथ। तो लास्ट ईयर मैंने मेरा अकेडमी शुरू किया था, मी एंड वन ऑफ माई फ्रेंड दोनों ने मिलकर ईरोड में ही शुरू किया है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ईरोड में इतना अपने जो बोरी कम्युनिटी है उसमें कोई क्रिकेटर्स तो है नहीं अभी। देर आर यंगस्टर्स, मतलब बहुत छोटे हैं वो लोग भी आते हैं अकेडमी के लिए। एंड अभी दिस ईयर तो अकेडमी तो रन नहीं हो पा रहा है, तो होपफुली आगे जाके आई विल ट्राई माय बेस्ट कि कोई भी एनी यंगस्टर अपने कम्युनिटी के हो या फिर एनी प्लेयर को, मैं उसको सपोर्ट करूं और जितना हो सके उतना कोशिश करूं कि जो भी मेरा इतने सालों में मैं सिखाऊं, मैं उनको सिखाऊं और वो आगे जाके रिप्रेजेंट करें। वैसे आपने जो क्रिकेट खेली ठीक है उसमें कुछ शेयर करें हमारे अच्छे मोमेंट्स आपके, कि आप किन प्लेयर्स के साथ खेले, उनके साथ किस तरह आपने चीजें शेयर की, क्या आपका एक्सपीरियंसेस रहा, क्या आपने देखा जो कि अगर आप यहाँ शेयर करेंगे तो हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उनको बड़ा अच्छा एक रिव्यू सारा मिलेगा आपका। जी 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 जी, मैं तमिलनाडु सीनियर टीम के लिए खेला था, तो वहाँ तब आके जो भी तमिलनाडु से जो भी इंडिया रिप्रेजेंट किए हुए प्लेयर्स, हेमंग बदानी है, सब लोग जानते ही होंगे हेमंग बदानी, श्रीधरन श्रीराम खेले हैं, बद्रीनाथ खेले हैं, अभी दिनेश कार्तिक खेल रहे हैं, मुरली विजय खेल रहे हैं। मुरली विजय और मैं जो हमारे चेन्नई की टीम थे, मैं एक टीम को रिप्रेजेंट करता था किम्प्लाश के, तो मैं और मुरली विजय ओपनिंग बैटिंग किया करते थे, करीबन दो सीजन हमने ओपनिंग किया साथ में। तो ही इज वन ऑफ माई गुड फ्रेंड। एंड ये सब जो साउथ से जो भी इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आते हैं मतलब तो आर अश्विन इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो उन लोगों के साथ अच्छा मतलब काफी क्रिकेट साथ में खेलने को मिला है और अगेंस्ट भी खेलने को मिला है। दिनेश मुंगिया है जो इंडिया के लिए खेल चुके हैं, ही हैज प्लेड फॉर आवर टीम, आशीष कपूर के साथ खेला हूँ। तो ऐसे जो भी जो साउथ के जो क्रिकेटर्स हैं वो बहुत सारे क्रिकेटर्स के साथ खेलने का मौका मिला है। अच्छा, आपने जब शुरू में अपनी जर्नी शुरू की क्या मुश्किलात थी, मतलब जब आप यंग एज के अंदर होते हैं किस तरह आपको मोटिवेशन मिलती है, किस तरह अगर हम एज ए जूनियर प्लेयर जब हम क्रिकेट स्टार्ट करते हैं तो आपको जाहिर है मेहनत भी करनी होती है, किस तरह से चीज़ों को लेके सीखना होता है। देखें आपके एज में भी मुझे आइडिया है कि शायद इतना कोई ज़्यादा आपको बताने वाला नहीं होगा, आपने अपनी पैशन पे अपनी मेहनत पे खेली होगी,
आप क्या एडवाइस करेंगे जो यंगस्टर्स हैं, आजकल तो अकेडमीज भी हैं, बताने वाले लोग भी हैं क्रिकेट के अंदर, तो किस तरह से एडवाइस करेंगे कि यंग एज के अंदर किस तरह चीजों को लेके चलना चाहिए? नहीं भाई, ये जो बात है, जो जब जब हमने शुरू किया था क्रिकेट, और हमारे जो भी एज के सभी क्रिकेटर्स ने जब भी शुरू किया था, उस टाइम पे देयर वर वेरी लेस पीपल टू गाइड अस। जब यहाँ पे ईरोड में, तो इट्स अ स्मॉल टाउन, यहाँ पे तो और भी नहीं है। मेरे एक कोच हुआ करते थे, मतलब मुझे जितना भी क्रिकेट सिखाया उन्होंने, तो सब उन्हीं से सीखा हूँ, जो भी है मुझे सिखाते थे। देयर वर वेरी लेस पीस ऑफ एडवाइसेस, तो सब खुद सब इंडिविजुअली आगे गए हैं। फ्रॉम अ स्मॉल टाउन आई हैड टू गो, मुझे क्रिकेट खेलने के लिए यहाँ से चेन्नई अराउंड 400-450 किलोमीटर है। आई हैड टू ट्रैवल ऑलमोस्ट एवरी वीकेंड, या फिर जब भी मैचेस होता है, तो आई हैड टू गो टू चेन्नई और कोयम्बटूर। ईरोड में तो बहुत कम क्रिकेट होता है, मतलब कॉम्पिटिटिवनेस नहीं होता है, तो जो भी क्रिकेट खेलने के लिए आई हैड टू ट्रैवल अलॉट, और बहुत सारे ट्रैवलिंग की है मैंने। तो आजकल के जो 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 गैप रहता है, जहाँ पे मैं समझता हूँ कि पीपल बहुत ये सब जो कठिनाई है, जो भी डिफिकल्टीज है, दे वो लोग आके बहुत कम लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि फॉर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको ये सब करना पड़ता है, देन ओनली यू गो ऑन एंड थोड़ा सक्सेसफुल बनते हैं आप। एंड मेरे ख्याल से आजकल के जो क्रिकेटर्स है, वो लोग भी थोड़ा ट्राई करते हैं, एफर्ट डालते हैं, रिजल्ट नहीं आता है तो छोड़ देते हैं। बस ये नहीं कि थोड़ा और ट्राई करें, थोड़ा और ट्राई करें, दे जस्ट ट्राई फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, बस और छोड़ देते हैं। तो मेरी एक यही पीस ऑफ एडवाइस रहेगी कोई भी जो भी यंगस्टर्स है उनके लिए, कि इतना जल्दी तो हार नहीं मानना चाहिए। एंड स्पेशली क्रिकेट के लिए एक कितने सारे एग्जाम्पल्स होंगे अपने पास, कि जो भी क्रिकेटर है कितने साल, मतलब पूरा साल मेहनत कर देता है, लेकिन बैट से रन नहीं बनता है, वो ऐसे ही छोड़ नहीं देता है। एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल आप सबको मालूम होगा, श्रीलंका के जो ओपनिंग बैट्समैन थे मारवन अट्टापट्टू का इंटरनेशनल स्टार्ट कैसा था, वो मेरे ख्याल से 3-4 साल तक वो स्ट्रगल किए। जब भी इंटरनेशनल में उन्होंने उसको चांस मिला, जीरो बनाया। मेरे ख्याल से आफ्टर 3-4-5 या 6 अटेम्प्ट्स के बाद वाकई वो टीम में उन्होंने अपनी जगह बनाई, एंड आज आके वो एक वन ऑफ दी बेस्ट बैट्समैन ऑफ श्रीलंका के माने जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे अपने अपने क्रिकेटर्स में who easily don't give up। तो यही एडवाइस होगी मेरे यंगस्टर्स के लिए कि जितना जल्दी हार मत माने, जस्ट कीप ऑन ट्राइंग। हुज़ैफ़ा, घर से कितना सपोर्ट था आपको? जाहिर है इतना आसान नहीं होता क्रिकेट खेलना ना, क्योंकि फैमिली की तरफ से ये होता है कि किसी भी प्रोफेशन के अंदर जाए या पढ़ाई की तरफ जाए, तो क्रिकेट एक फुल टाइम जॉब है, इतना आसान काम नहीं है क्रिकेट खेलना, बहुत सैक्रिफाइसेस इसके लिए। तो घर से कितना सपोर्ट था आपको? नहीं भाई, ये चीज में तो मैं बहुत 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 लकी हूँ, एंड जितना भी मैं ऊपर वाले का शुक्र करूँ, बहुत मतलब कम होगा। मेरी फैमिली फ्रॉम द डे वन मुझे बहुत सपोर्ट की है, माई पेरेंट्स, माई फादर, माई मदर, माई ब्रदर, सिस्टर्स, माई वाइफ, एवरी वन, सब आके मेरा घर, मेरा फैमिली एक क्रिकेट क्रेजी फैमिली है। एवरीवन, मेरे इन-लॉज भी है, मेरे ब्रदर इन-लॉज, सब लोग, सिस्टर इन-लॉज, सब लोग आके बहुत क्रिकेट, जब भी मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ, दे कीप ऑन फॉलोइंग मी, क्या किया, कैसे हुआ, आउट हुआ, मतलब ये नहीं कि एकदम छोटी छोटी चीज, बारीक बारीक चीज वो लोग फॉलो करते हैं। तो फैमिली वाइज माशाल्लाह मुझे बहुत बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है, उसके फैमिली के सपोर्ट के बिना इतना आगे आ पाना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। क्रिकेटर का एक जनरली यही होता है कि क्रिकेटर तभी कामयाब होता है कि जब उसको पीछे से भी लोग, थोड़ा फैमिली सपोर्ट भी हो। आप किसको अपने मेंटर मानते हैं क्रिकेट के अंदर, कि जिनकी वजह से आप समझते हो कि आप जितनी भी क्रिकेट आपने खेली, आप अपने किसको मेंटर मानते हैं? जी, यहाँ पे मैंने जब यहाँ से क्रिकेट मुझे जिसने सिखाया, मेरा एक यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एक कोच रहा है, मिस्टर जाफर आशिक अली है उसका नाम, जो यहाँ ईरोड से ही बिलोंग करते हैं। उन्होंने भी आके तमिलनाडु के लिए रिप्रेजेंट किया है, तो मुझे जो कुछ भी मुझे बेसिक्स मुझे सिखाया है, वो उन्हीं ने सिखाया है। एंड उसके बाद आके मतलब 12 लेवल तक मुझे सेलेक्शंस का जो भी है उसने मुझे क्रिकेट सिखा दिया, पर उसके बाद आके पूरा भी जो भी है खुद का स्ट्रगल था। एंड जब भी मैं कभी भी किसी से भी शेयर करता हूँ कि मुझे क्रिकेट उन्हीं ने सिखाया है। अच्छा, एक छोटी सी बात आपसे पूछूं मैं, कि एक जैसे आप लोग कोयम्बटूर से खेलते हैं, ठीक है, कोयम्बटूर आप, मैं रोड की बात नहीं करता, कोयम्बटूर से जो आप खेलते हैं, वहां से आपके अलावा और कोई क्यों नहीं निकल रहा हमारी कम्युनिटी से प्लेयर? क्या कोई कोशिशें नहीं हुई,
या टैलेंट नहीं है या इतने मौके नहीं है? यही सवाल मैं मेरे जो टीममेट्स है, मैं कितने सालों से उन्हीं को पूछ रहा हूँ कि क्यों कोई प्लेयर आता नहीं है। मतलब मैं बताऊं नहीं भाई, आजकल बहुत सारे जो भी अपने कम्युनिटी के क्रिकेट हो रहा है वहां पे प्रैक्टिस करने के लिए कितना बड़े बड़े शहरों में कितना दूर जाना पड़ता है सबको। कोयम्बटूर ऐसी जगह है, मतलब आप घर से बाहर निकलोगे 100-200 मीटर पे आपको एक क्रिकेट ग्राउंड मिल जाता है। मतलब अपना एक कॉलोनी है, कॉलोनी के अंदर अपना एक खुद का ग्राउंड है, खुद का नेट सब कुछ है, मतलब सब फैसिलिटीज है। आई विल बी लिटिल फ्रैंक इनफ कि फिर भी इतना जल्दी उतना लोगों को उतना पैशन नहीं आ रहा है क्रिकेट में। मतलब पैशन है लेकिन थोड़ा और मेहनत करें और आगे है, उतना कुछ पैशन नहीं आ रहा है। मतलब पैशन सिर्फ देखने की हद तक है और वो कमेंट करने की हद तक है, खुद से मेहनत करने की हद तक नहीं है। नहीं नहीं, वही बोल रहा हूँ कि देखिए क्रिकेट टीम तो एक बहुत अच्छा है, टीम बहुत अच्छा है, लेकिन उनको क्या है कि दे उनको बोलते हैं ना कि थोड़ा और मेहनत कराएंगे तो करेंगे। मतलब खुद से अगर आपने शेड्यूल बना दिया, ये आप मेहनत करो, ये प्रैक्टिस करो, ये आगे ड्रिल्स करो। सी मैं इधर अराउंड 100 दूर रहता हूँ, उन लोग वो लोग अलग से प्रैक्टिस करते हैं वहां पे, तो इतना कम्युनिकेशन गैप इतना हो जाता है कि वो लोग अपना एक कंफर्ट जोन में होते हैं कि वो कंफर्ट जोन से बाहर आते नहीं है। ये मेन एक है, एक घंटा आधा घंटा। अच्छा, मैं नईम थे और उज़ैफ़ आपको बताता चलूं कि शो शुरू हुआ है और अभी सिर्फ 16 मिनट पास हुए हैं और आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस की भरमार है, तो मैं नईम थे से पूछना चाहता हूं कि अगर हम सवालात अगर लिए। हाँ हाँ, हमारे पास एक लाइव, मेरे ख्याल से वो एक है हमारे लाइव उज़ैफ़ के फैन है, वो लाइव हमारे साथ हैं, आप उनसे सवाल लें। जी 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 जी, वेलकम अब्बास गौहर। नहीं भाई, वेलकम वेलकम। मेरा सवाल ये था कि अक्सर आप देखते हैं कि हाई रन चेसेस में अक्सर अर्ली विकेट गिर जाती हैं, तो ऐसी कौन सी कैलकुलेशंस हैं, ऐसी कौन सा मोड ऑफ अटैक है जो हमें एक एज अ टीम चेंज करना पड़ेगा कि उस रन को सक्सेसफुली चेस कर सके हम? ये तो सिर्फ आइडियल सवाल हो गया आपके लिए। अरे अकेले किया पूरी जिंदगी सारे रन चेसेस? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, अकेले तो ठीक है, अकेले तो नहीं है, फिर भी सपोर्ट के बिना तो कुछ नहीं होता है। अब्बास भाई, मैं एक करूँ कि आप कौन से फॉर्मेट में खेल रहे हो ये डिपेंड करता है। 2020 में खेल रहे हो तो थोड़ा अप्रोच थोड़ा डिफिकल्ट, मतलब दूसरा रहता है। अगर आप 50 ओवर गेम खेल रहे हो तो अप्रोच थोड़ा दूसरा रहता है आपको। बस वही है कि अगर आपको आपका बैटिंग स्ट्रेंथ पहले देख लो। सपोजिंग आप 20 ओवर में 150 रन चेस कर रहे हो तो इट इज आजकल के क्रिकेट के हिसाब से जस्ट अराउंड 8 रन पर ओवर कुछ भी नहीं है। मतलब इट इज वेरी इजी, जस्ट कैलकुलेट करके आपको चलना पड़ता है। एक दो विकेट आगे गिर भी गए तो यू हैव टू बैक योर बैट्समैन मिडिल ऑर्डर एंड लोअर मिडिल ऑर्डर टू स्कोर दैट रन। बट एक आजकल के क्रिकेट और 10-20 साल के क्रिकेट का डिफरेंस यही कहूंगा कि आजकल कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होते हैं और कैलकुलेशन के हिसाब से आराम से रन चेसेस होते हैं। आई होप अब्बास के आपको रिप्लाई मिल गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। उज़ैफ़ा, एक मेरा सवाल है, उज़ैफ़ा एक सवाल है मेरा। जी जी जी। लेकिन आपने सही से बताना है इसको। जी बताइए। SB रिटेन में आप लोग फाइनल खेले थे एक, जिसमें आप लोग हार गए थे, उसमें एक बॉलर ने आपके वो तो बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की थी थ्रू आउट द टूर्नामेंट, लास्ट ओवर भी अंटिल द लास्ट बॉल उसने लास्ट ओवर ही बहुत अच्छा किया था, लास्ट बॉल पे छक्का उसको पड़ गया। अनफॉर्चुनेटली वो किसी को भी लग सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। उस छक्का लगने के बाद आपकी फीलिंग्स क्या थी, क्योंकि आप थे शायद मिड विकेट पे जो आपकी तरफ बॉल आ रही थी और आप रोप के बाहर जाके भी कैच के चक्कर में लगे हुए थे, तो आपकी क्या फीलिंग थी उस वक्त, सही वजह बताइएगा जरा, और फिर ड्रेसिंग रूम में क्या फीलिंग थी? देखिए नहीं भाई, मैं अपना मतलब जो फीलिंग है इमोशन से ज्यादा मतलब कभी भी एक्सप्रेस नहीं करता हूँ, जो भी है अपने अंदर ही रखता हूँ। यही मतलब इट वॉज वेरी वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर अस, इतना दूर इतना मेहनत करके आए कि लास्ट मतलब जो बॉलर है वो बुरहानुद्दीन है उसका नाम, ही इज अ यंगस्टर, ही इज अ वेरी गुड बॉलर, वेरी गुड बॉलर। जैसा आया कि पूरा टूर्नामेंट पूरा टिल द लास्ट बॉल वो बहुत अच्छा बॉलिंग किया। इनफैक्ट हमने जब लास्ट बॉल 6 रन टू विन था, हमने एक छोटा सा डिस्कशन भी किया कि वो बुरहान कहाँ पे बॉल डालेगा, तो हमने प्लान किया था कि आउटसाइड ऑफ स्टंप रखेंगे, 3 पॉइंट रखे थे हमने, तो बोला कि मतलब आउट
यॉर्कर डालेंगे तो भी बाउंड्री जाने का चांसेस है, लेकिन सिक्स तो नहीं जाएगा. अनफॉर्चुनेटली उसको सिक्स लग गया एंड डेफिनेटली बहुत डिसअपॉइंटिंग था. ड्रेसिंग रूम में भी मतलब टू कम आउट ऑफ इट बहुत टाइम लगा हमको वापस रूम जाके. इवन द नेक्स्ट डे आप विश्वास नहीं करेंगे, अभी तक जब भी उससे मिलते हैं तो वो लास्ट बॉल का इंसिडेंट उसे याद करवाते हैं. वी मेक फन ऑफ इट. मतलब बुरहानुद्दीन दूर दूर से निकल जाते हैं, आपको नजर नहीं आता. नहीं इसे, ये एक और बात बताऊं कि अभी लास्ट ईयर का जो टूर्नामेंट हुआ था बॉम्बे में, तब पहली मैच हमारी नासिक के साथ थी. वहां पे भी हमारी सेकंड मतलब हमारी बोलिंग थी. अगेन इट केम टू लास्ट ओवर 12 रन आ गया और नासिक के जो प्लेयर है मुर्तजा ट्रंक वाला वो अच्छा खेल रहे थे. He was hitting the ball well. And again it came down to last ball 4 run to win. So मैं सेम पोजीशन मैं मिड ऑफ पे खड़ा था जब फाइनल्स था, तभी भी मैं मिड ऑफ पे खड़ा था. वही दिमाग में तो वही चल रहा था कि वापस क्या होगा करके. अनफॉर्चुनेटली वो भी मैच हार गए हम लोग, वो भी लास्ट बॉल ने बाउंड्री दे दिया. तो मतलब मैंने एज ए कैप्टन तो मैंने सोचा है कि जब तक ये लास्ट बॉल का जो है आएगा तो मैं उसी को बॉलिंग दूंगा. कि मतलब उसके अंदर भी एक फेयर होगा ही कि अगर वो लास्ट बॉल अगर लास्ट ओवर डिफेंड कर देता है तभी वो फेयर बाहर आएगा, नहीं तो जब तक वो उसको डिफेंड नहीं करेगा वो उसके फेयर उसके मन में रहेगा. अच्छा एग्जैक्टली वैसे एज ए बॉलर मैंने भी ये सीखा है जिंदगी में कि बॉलर जो होता है ना उसको कैप्टन बनाता है. जितना भी उसको कॉन्फिडेंस देंगे वो इतना ज्यादा ग्रो करेगा. जी exactly. यही अच्छा तरीका है. हमारे पास एक और भी कॉलर है आमिर. हमारे पास अभी वो कॉलर जो है उनसे कम्युनिकेशन में थोड़ा सा डिफिकल्टीज है तो जिसकी वजह से हम उन्हें अभी नहीं ले सकते. अगर आप कहें तो इजाजत दें तो मैं क्वेश्चंस जो है जो हमें सोशल मीडिया के थ्रू आ रहे हैं मैं वो शो ऑफ करना शुरू करूं. एक छोटी सी बात पूछूं फिर आप अपने सवाल पे जाए ना. उस वक्त मुझे एक बात, पहले जब ये टूर्नामेंट हमारे नहीं होते थे उस वक्त पूना में और इन जगहों पे टूर्नामेंट्स होते थे जी, उस जमाने में कोयम्बटूर आप और एक अली असगर हमारे हैं इंशाल्लाह उनसे भी हम लाइव करेंगे उनसे प्रोग्राम. आप दोनों की जोड़ी ऐसी थी कि आप लोग ही जीतते थे सिर्फ, मतलब आप लोग कोयम्बटूर का मतलब कोयम्बटूर जीतता था ठीक है. फिर अब एक फेज ऐसा आ गया उसके बाद कि दूसरी टीमों ने जीतना शुरू कर दिया, कोयम्बटूर उस तरह से नहीं जीत रहा. तो क्या इसको हम किस तरह से देखेंगे, क्या कोयम्बटूर ने इम्प्रूव नहीं किया या दूसरी टीमों ने ज्यादा इम्प्रूव किया है, आपका क्या इसके बारे में पॉइंट है? देखिए नहीं भाई, मैं और अली है कभी भी, देखिए अगर आप एक टीम के सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर हो, मैं हूँ या अली है कोई भी प्लेयर हो एक्स वाई जेड, अगर आपके सब टीम में इम्पोर्टेंट प्लेयर हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप टीम को जिताएं. इट इज ओके जब 10 मैच खेल रहे हो आपको 10 मैच भी जिताना है तो यू हैव टू डू इट, देयर इज नो अदर ऑप्शन. व्हेन यू आपको मालूम है कि अगर आप आउट हो जाएंगे या आप अच्छा नहीं खेलेंगे तो टीम हार जाएगी. तो अगर वही बात है कि अगर 10 में से 9 मैच भी आप जिता देते हैं तो जो मैच हार जाते हैं वही याद रहता है कि वही अरे ये मैच क्यों नहीं जिताया, ये मैच क्यों नहीं जिताया. तो मैं और अली कभी भी यही डिस्कस करते हैं कि भाई जो भी है अपने को ही करना है. वैसा नहीं कि हमारी टीम नहीं है, दे वी आर वेरी गुड प्लेयर्स, अच्छे हैं, लेकिन क्या है कि उनको इतना एक्सपोजर मिलता नहीं है. मतलब 10 ओवर की जो भी फॉर्मेट रहता है 10 ओवर 6 ओवर 20 ओवर बैटिंग हम ज्यादा कर लेते हैं तो लोअर ऑर्डर पे बहुत कम उनको बैटिंग मिलता है. जो भी मिलता है दे ट्राई टू प्रूव देमसेल्व्स. और जैसे आपने बात कही हमने तो वही लेवल मेंटेन करने के लिए रखा है करीब 15-20 साल से, मतलब जितने भी साल खेल रहे हैं मतलब अपने कम्युनिटी टूर्नामेंट्स वी आर ट्राइंग टू डू आवर बेस्ट ओनली. बाकी सब टीम अच्छा बहुत कर रही है, ये मैं ये पॉइंट एम्फसाइज करूंगा कि वैसा नहीं कि हम लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं. मैं ऐसा कहूँ कि हमारी जो लेवल अगर बताएंगे कि अराउंड 75-80% हमारा जो परसेंटेज है हम वही पे है और बाकी सब लोग बहुत आगे जा रहे हैं. नहीं एक चीज बहुत अच्छी है कोयम्बटूर की टीम की कि आप लोग जो खेलते हो ना वो खेलते हो एक फैमिली की तरह, चाहे आप लोग जीतो चाहे आप लोग हारो, ये सबसे जबरदस्त चीज है और इसीलिए आप लोगों की परफॉर्मेंसेस जो है वो कंसिस्टेंसी है उसके अंदर. आमिर आपके पास सवाल है? जी मेरे पास जो है कॉलर लाइव है इस वक्त, हुज़ैफा मैं लाइन पे लेता हूँ. वेलकम टू हुज़ैफा सैफुद्दीन. हुज़ैफा सैफुद्दीन आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं और आप का सवाल किससे है? या मैं एक्चुअली इधर यूएई से कॉल कर रहा हूँ, अजमान से. एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी. एंड आई थिंक सो आई प्लेड अंडर हुज़ैफा पटेल अ लॉट ऑफ टाइम्स. मेरा सवाल हुज़ैफा पटेल से ये है कि हुज़ैफा यू हैव कैप्टेंड अ लॉट ऑफ टीम्स, यू प्लेड अंडर अ लॉट ऑफ टीम्स, बट व्हेनेवर यू हैव कैप्टेंड यू ऑलवेज गॉट द बेस्ट आउट ऑफ योर प्लेयर्स.
I mean, even if that person doesn't have the caliber to play that kind of cricket, but you've removed the best and you've always remained very cool. What is the... Salaam, Huzaifa, how are you? I'm doing good. मैं हुजैफा का सवाल वही बताऊंगा कि कैप्टन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, जैसे हुजैफा ने बताया कि मुझे मतलब मुझे प्रिविलेज हुआ कि मैंने बहुत सारे टीम को कैप्टन किया है अब तक, एंड एक कैप्टन का मैं समझता हूँ कि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी वही रहता है कि उसके प्लेयर को पहले जान ले कि वो कौन से एरिया में कब अच्छा करेगा। उसका मैं ऐसे मानता हूँ कि उसका जो बेस्ट उससे कब लेना चाहिए, मतलब जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा वी हैव टाइम कि मैं यहाँ पे जो कोयम्बतूर में हम लोग जो T20 टूर्नामेंट्स बहुत खेलते हैं यहाँ पे, तो एक बार हमारी टीम में आके मतलब वी यूज्ड टू विन ऑल द टूर्नामेंट्स हियर। तो एक बार एक टूर्नामेंट का फर्स्ट मैच था, ऑपोनेंट वी टुक देम वेरी लाइटली कि नहीं जीत जाएंगे आराम से क्रिकेट। तो उस दिन बारिश भी बहुत हुआ था एंड जनरली अगर बारिश होता है तो कैप्टन गोज टू टेक बॉलिंग ओनली फर्स्ट। तो मैंने जाके उस दिन थोड़े प्लेयर से जरा आराम से बात करके, छोटी टीम है चलो जीत जाएंगे बैटिंग लेते हैं सबको बैटिंग मिलेगा करके टॉस जीत के बैटिंग लिया एंड वी वर ऑल आउट फॉर 75 इन दैट मैच। एंड जब 75 पे ऑल आउट हुआ तो सबको एक 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 बहुत आप बोलते ना कि बहुत नाराज हो गया मैं, जैसे लोग आउट हुए बैट शॉट्स खेल के आउट हुए, तो तब एक जब फील्डिंग के लिए अंदर जा रहे थे एक एक अच्छा सा एक पेप टॉक किया कि भाई देखिए हम लोग इतने साल से जीत रहे हैं, डजंट मैटर नाउ, हम एक छोटी टीम के साथ 75 में ऑल आउट हो गए, अगर यहाँ से हम हार जाएंगे तो एवरीबडी विल बी नो टॉकिंग अबाउट अस। तो तब मैंने जो प्लेयर्स के फेसेस मैंने देखे, सबके प्लेयर्स के फेसेस मैंने देख लिए कि किसको बॉलिंग देनी चाहिए किसको नहीं चाहिए। यहाँ पे जो कैप्टन का जो रोल होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि प्लेयर को ऑब्जर्व कर ले कि अभी 75 डिफेंड करना है, डेफिनेटली बॉलर के ऊपर प्रेशर है, तो अगर वो प्रेशर आके बॉलर के ऊपर वो देख लेता है तो उसको डेफिनेटली बॉलिंग नहीं कराना चाहिए। तो मैंने ठीक वैसे किया, मेरे हमारे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फास्ट बॉलर्स थे बहुत अच्छा करते हैं छोटी टीम के साथ, या जब प्रेशर नहीं है तब बहुत अच्छा करते हैं, अब जब 75 है और ओपोनेंट को मैच जीतना है तब उनके फेस पे मैंने देखा कि वो एक डर उनके फेस पे था। और मेरे साथ मेरे टीम में दो दो सीनियर भी थे, उनको कभी मतलब बैटिंग या बॉलिंग बहुत कम मिलती थी, वीवर उनको टीम में रखा हुआ था कि एक्सपीरियंस शेयर करें, लेकिन उनके पास एटीट्यूड बहुत अच्छा था, नेवर से डेड एटीट्यूड था उनके पास। तो तब जब मीटिंग टॉक हो रहा था तब उनको देखा, उनको जीतने का जज्बा और ज्यादा था, जो फास्ट बॉलर थे उनको थोड़ा कम था। तो मैंने क्या किया कि वो फास्ट बॉलर्स को बॉलिंग नहीं कराया और जो मेरे पास जो सीनियर थे उनको जो एटीट्यूड था नहीं जीतना है करके उनसे बॉलिंग करवाया, हमने सिर्फ 5 स्पिनर बॉलिंग करे और 74 में ऑल आउट किया और वो मैच जीते हम। तो वो ये चीज बताऊंगा कि जो कैप्टन का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि कोई भी टीम के लिए खेले पहले वो प्लेयर को अच्छी तरह जान ले, वो क्या करता है कैसे करता है कौन सी पोजिशन पे कब अच्छा खेलता है, जरूरी नहीं है बैटिंग, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जब प्रेशर नहीं है वो तो 100, 150, 200 रन जितना भी बनाए, लेकिन जब प्रेशर में 10 रन बनाना होता है तो यार मेनी प्लेयर्स हु फॉल। तो बस यही कि मैं जो भी टीम के लिए कैप्टन करता हूँ पहले मैं पूरा स्टडी कर लेता हूँ कि कौन प्लेयर है कैसा है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ वैसे ही पहले कहाँ खेले थे मतलब कौन से पोजिशन पे खेलते हैं कौन से पोजिशन पे फील्डिंग करते हैं सब चीज मैं उनसे पहले जान लेता हूं और देन वी गो एज अ गो इनटू एनी टूर्नामेंट। बेसिकली वो हुजैफा का मतलब यही है कि रीडिंग है, कैप्टन को रीड करना आना चाहिए, प्लेयर्स को भी रीड करना है, उसकी साइकी को भी रीड करना है, तब जाके फिर चीजें सही से चलती हैं। यस भाई यस। अच्छा हुजैफा, एक इरोड साहब की तोलोबा जो है तोलोबा इरोड, उन्होंने एक सवाल किया है मेरे इंस्टाग्राम पे, will you be the bat for our next season of EPL 2? ये लोग आके यहाँ पे वो टेनिस बॉल का टूर्नामेंट करते रहते और हर साल मुझे खिलाते नहीं है, वो मुझे सिर्फ अंपायर ही बनाते और मुझे अंपायरिंग करनी पड़ती है। चलें, अच्छा उनको भी जवाब मिल गया होगा। मुझे आप अपनी लाइफ में क्या कहते हैं, आपका कोई ऐसी चीज आप शेयर करना चाहेंगे लोगों के साथ जो आप समझते हैं कि आपका हाई पॉइंट था, और क्या आप समझते हैं कि ये मेरा एक पॉइंट है कि जहां से अगर मैं निकल जाता तो और कहीं ज्यादा आगे निकल सकता था या इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकता था?
नहीं, मैं जैसे मैंने मेरे इंट्रोडक्शन में बताया कि जो 2003-4-5 ये 2-3 साल थे मेरे करियर के बहुत इंपॉर्टेंट साल थे, मैं बहुत अच्छे पीक में था, आई वाज गेटिंग मेनी विकेट्स, आई वाज स्कोरिंग मेनी रन्स, वहां पे बहुत अच्छा खेल रहा था चेन्नई में, एंड रणजी ट्रॉफी भी खेला उस टाइम 2 साल, एंड अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग अ लीग मैच आके जो बताया कि हेमंत गजानी मेरे टीम में खेलते थे तो उनके साथ एक इंसिडेंट हो गया, दोनों जन क्लैश करके मैं नीचे गिर गया और मेरा लिगामेंट टायर हो गया, तो वो जो मेरा लिगामेंट टायर हुआ बहुत बुरी तरह हुआ, एंड 6 months आई हैड टू बी इन बेड। जब मैं रिकवर करके वापस आया, आई वाज एक्चुअली क्या है कि उसके 2 साल पहले मैंने रणजी ट्रॉफी खेला था, तो मुझे नेक्स्ट ईयर डायरेक्टली मुझे सेलेक्ट कर दिया था, तो आई वॉज कॉल्ड फॉर द मैच एंड मैं स्ट्रेट अवे वो मैच खेला, तो तब अगेन मेरा इंजुरी वो अग्रेवेट हो गया, इट वॉज नॉट फुली रिकवर्ड, मेरा इंजुरी अग्रेवेट हो गया, तो और 6 महीना मेरा और बिगड़ गया। तो ये जो 1 ईयर है 2006 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2006 का जो पूरा साल था मैंने घर पे बिताया था, वो मेरे करियर का बहुत ही जो लो पॉइंट था, कि अगर अगर गॉड फॉरबिड्स अगर मैं इंजुरी नहीं होता मुझे, तो मैं शायद स्टेट को रिप्रेजेंट करता और उसके नेक्स्ट आगे रिप्रेजेंट करता इंशाल्लाह। आपके सजेशंस हैं कुछ कम्युनिटी की क्रिकेट के लिए इंप्रूव करने के लिए, फिटनेस के लिए? आप जो खेलते हैं आप क्या देखते हैं, क्या चीजें रीड करते हैं कि हमें किधर इंप्रूवमेंट की जरूरत है? भैया भाई मतलब कम्युनिटी क्रिकेट के लिए तो बहुत इंप्रूवमेंट मैंने सोची है, मैं वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं किसी से शेयर करता नहीं हूँ, लेकिन मेरे जो करीब जो दोस्त है कोयम्बतूर में, 2-3 मेरे जो फ्रेंड्स हैं मेरे साथ क्रिकेट खेलते हैं, उनसे बहुत चीजें शेयर करता हूँ मैं कि कैसे आगे बढ़ाया जाए क्रिकेट को, कैसे करें, तो मेरा तो मैंने सजेशंस भी बहुत दिए हुए कम्युनिटी के अपने जो भी ऑर्गेनाइजर्स है उनको, कि इट इज टाइम कि 10 साल पहले का क्रिकेट ले लो और अभी का क्रिकेट ले लो, जो 10 साल पहले खेलते थे वही खेल रहे हैं अभी भी, ले लो प्लेयर्स, कोई भी टीम ले लो, आप कोयम्बतूर के ले लो या पाकिस्तान के ले लो या कोई भी इंडिया के ले लो, कोई भी श्रीलंका खेल लो, वही प्लेयर्स खेल रहे हैं, नए प्लेयर्स कहाँ हैं? अगर आपकी 11 में 1-2 नए प्लेयर से काम नहीं बनता है, अगर आपकी 11 में से 5-6 नए प्लेयर है तो काम बनता है, सीनियर्स सिर्फ उनको सपोर्ट करने के लिए 2-3 सीनियर्स चाहिए, यहाँ पे तो ऐसा होता है कि 11 में से 8-9 तो सीनियर्स होते हैं, 2-3 यंगस्टर रहते हैं, तो मेरा सजेशन तो कम्युनिटी क्रिकेट के लिए यही है कि जितना हो सके वी हैव टू प्रमोट यंगस्टर्स, उनको चांस दें, ऐसा कोई रूल बनाए कि कोई भी टूर्नामेंट हो, अंडर 19 हो या अंडर 23 हो, एक एज कैटेगरी का भी टूर्नामेंट हो, एक टूर्नामेंट से मैं कभी भी ऐसे विश करता हूँ कि अगर एक टूर्नामेंट बनता है, एक होता है, एक SBT10 का एक बड़ा टूर्नामेंट होता है, तो वहां से एक अच्छा प्लेयर भी निकल के आए, मतलब एक अच्छा बेस्ट बैट्समैन हो या एक बेस्ट बॉलर हो, वो अगर यंगस्टर होगा तो और एक जो टूर्नामेंट का वो सक्सेस पॉइंट रहेगा। आप जो मुझे आइडिया मिल रहा है, आप बेसिकली स्किल्स के ऊपर ज्यादा एम्फसाइज करते हैं, ठीक है, और फिटनेस पे आप कितना एम्फसाइज करते हैं? फिटनेस बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी जो भी क्रिकेट मैं पर्सनली बताऊं कि मैं जो ये लेवल पे अभी तक खेल पा रहा हूँ, दैट इज बिकॉज ऑफ द फिटनेस आई यूज टू डू व्हेन आई वॉज यंगस्टर, जब तब मैंने अगर फिटनेस नहीं किया होता तो अभी तक मेरा बॉडी डेफिनेटली आई वुडंट हैव प्लेड, जब तक जो खेल रहा वो नहीं खेल पाता। आज का फिटनेस और पुराना मतलब जो फिटनेस पहले होता था उसमें भी बहुत फर्क है, आजकल फिटनेस एकदम एकदम टाइम मतलब एकदम शॉर्ट हो गया है फिटनेस। बिल्कुल सही है उज़ैफा, आप जैसा आप कह रहे हैं कि फिटनेस इज अ मेन पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स, तो ठीक है उज़ैफा, आपने जैसे SBT10 की बात कही तो शायद हमारे पास एक सवाल आया सोशल मीडिया के थ्रू, ये मैं आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, अदनान जौहर ने सवाल किया है, सलाम एवरीवन, माय क्वेश्चन फ्रॉम हुज़ैफा भाई इज, लास्ट ईयर पाकिस्तान डिड नॉट प्ले द टूर्नामेंट, व्हाट वाज योर रिएक्शन और थॉट्स, एज पाकिस्तान इज वन ऑफ द फेवरेट टीम एंड वॉन 3 out of 4 टूर्नामेंट, इन्हीं का सवाल मजीद कंटिन्यू है, डू यू थिंक टूर्नामेंट शुड बी प्ले where all the teams can participate? ये उज़ैफा का सवाल है आपसे। उज़ैफा भाई लास्ट बॉल पे छक्के वाला ये सवाल आ गया है। नहीं डेफिनेटली अदनान भाई, मैं अभी तक जो भी SBT10 टूर्नामेंट्स हुए हैं कभी पाकिस्तान के साथ आमना सामना नहीं हुआ है,
मैं वही सीरियसली विश करूंगा कि कभी भी अच्छे टीम के साथ अच्छा करने में ही मजा है, कोई भी मतलब छोटी टीम के साथ रन बनाने या छोटी टीम के साथ विकेट खेल के बड़ी मार्जिन से जीतने में मजा नहीं है, अच्छी टीम के साथ अच्छा करेंगे तभी मजा है। तो मैं मतलब लास्ट ईयर जो पाकिस्तान पार्टिसिपेट नहीं की, डेफिनेटली एक, एक, एक ये तो था कि एक अच्छी टीम नहीं आ रही है, लेकिन हालात वैसे थे कि वो लोग नहीं आ पाए। एंड उनका जो सेकेंड सजेशन था वो भी अच्छा है कि वहां पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करें जहाँ पे सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये जो सजेशन है वो अपने जो भी ऑर्गेनाइजर्स है उनको दे सकते हैं, वो लोग भी डेफिनेटली सोचे ही होंगे, बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया होगा उनको नहीं बुलाना, क्योंकि देवर दो साल से चैंपियन रह चुके हैं और उनको थर्ड साल नहीं बुलाना तो मतलब इट वॉज अ वेरी टफ थिंग फॉर देम ऑल्सो। तो मतलब यस, पाकिस्तान के साथ खेलना हमेशा मतलब एक बहुत अच्छी चैलेंज रही है, दो तीन साल से तो अगेंस्ट नहीं खेल पा रहे हैं, लेकिन होपफुली इन द कमिंग टूर्नामेंट उनके साथ अगेंस्ट खेल पाए। अगर अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट ईयर लास्ट टू लास्ट ईयर हमने जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनके उनसे रिक्वेस्ट भी की थी कि इस बार हमको पाकिस्तान के जो पूल में कोयम्बतूर का नाम डालना करके, क्योंकि उनसे कभी भी 4-5 साल से कभी भी उनके अगेंस्ट खेले नहीं हमने। ये अच्छा है, एक पूल में अगर होंगे तो पूल में से ही मतलब निकल जाएंगे बच बचा के, वरना अगर आप हम कहीं ऐसा ना हो आगे जाके फंस जाए तो बहरा। लेकिन ये जो इसे सवाल किया है, ये जाहिर फैन है, इन्होंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से किया है कि हम खेल नहीं पाए ना, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के उस वक्त के ये डिसीजन होते हैं जब आप प्लान कर रहे होते हैं चीजों को ना, और प्लान आप 1 महीने या 2 महीने पहले नहीं करते हैं, आप चीजें 6 महीने पहले से लेकर चल रहे होते हैं इस लेवल के इवेंट्स के लिए। तो मेरी भी रिक्वेस्ट यही होती है कि आप जब ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं तो जाहिर है देखा करें, क्योंकि इधर भी जो पाकिस्तान में भी प्लेयर्स क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना कम्युनिटी के, वो शायद पूरे साल मेहनत करते हैं, यहाँ कोई 300 लोग हैं जो पूरे साल मेहनत करते हैं, और पूरे साल मेहनत के बाद जाहिर है कि लोगों को एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पर जाके वो अपना शोकेस कर सके टैलेंट को, और अगर वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तो ऑब्वियस ही कि वो प्लेयर जो है बहुत डिसहार्ट होता है। तो इस हमारे शो से मैं भी यही मैसेज दूंगा कि ये चीजें थोड़ी कंसिडर होनी चाहिए, कि ऐसी जगहों पे चीजें होनी चाहिए कि जहां सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकें और अपने टैलेंट को पेश कर सकें, और जो पूरे साल मेहनत करते हैं अपनी फिटनेस पे भी मेहनत करते हैं वो अपने टैलेंट को जस्टिफाई कर सके उस प्लेटफॉर्म पर जाके। अमित, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई? जी, एक और क्वेश्चन है हमारे पास PSC चेन्नई से, हुजैफा भाई फ्रॉम मुस्तफा बासु का सवाल है आपके लिए। हाय हुजैफा भाई, मुस्तफा बासु हियर फ्रॉम चेन्नई। वी ऑल नो यू हैव प्लेड फर्स्ट डिवीजन फॉर TNCA, व्हिच फर्स्ट डिवीजन प्लेयर हु हैज रिप्रेजेंटेड इन इंडिया हैव यू प्लेड विद एंड हु इज द मोस्ट जोवियल? हाय मुस्तफा, मैं आपका जो सवाल है वो मैंने जो बताया था कि मेरे साथ मुरली विजय खेला करते थे, हम लोग ओपनिंग खेलते थे, अलवरपट एक टीम है, किम्प्लास की जो एक टीम है अलवरपट करके, 2 साल मैंने और मुरली विजय ने ओपनिंग किया है। तो जोवियल वो बहुत ही जोवियल है, हमने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट शेयर किए हैं। एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगा कि हम लोग अलवरपट में एक्चुअली 3 ओपनर्स थे, मैं, मुरली विजय और एक और ओपनर था, मुझे उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है। तो मुरली विजय तो एक ओपनर कंपलसरी था क्योंकि ही वाज अ लिटिल अबव अस, तो वो डेफिनेटली आगे था, और बाकी हमारे 2 में से हम एवरी टाइम जब बैटिंग के लिए जाते तो हम टॉस करके जाते थे, अगर मैच जीत जाता तो मैं उसके साथ ओपन करता था, अगर हार जाता तो वो ओपन करता था। तो ऐसा सब मतलब एक मुरली विजय के साथ वैसा भी बहुत अच्छा रिलेशन रहा है, वेरी हार्ड वर्किंग गाय एंड वेरी फन लविंग गाय। तो सबसे बेस्ट जो बताऊंगा जो इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ मेरा अभी तक है, तो उसके साथ बहुत सारे अच्छे ऐसे मोमेंट्स है कि बहुत ही जोवियल है। ठीक, और भी सवाल है उजैर भाई आपके लिए, ये कोई हार्डवेयर चेन्नई से है। माइन क्वेश्चन इज उजैर भाई, दैट व्हाट कीप्स यू सो कूल लाइक धोनी, यू डोंट शो योर इमोशंस so often on field? आपको देख ले, धोनी से कंपेयर कर लिया आपके फैन ने। नहीं नहीं सर, वो तो कही मैंने, मैंने तो शुरू में इंट्रो में ही बोला था, जेंटल द जायंट किलर। नहीं नहीं, धोनी तो अपने से बहुत बहुत आगे है, जैसे भी है, मतलब मैं पहले ही बताया कि मैं इतना इमोशंस अपने शेयर करता नहीं हूँ, सिर्फ गिने चुने 2-3 लोग है, उनके उनके ऊपर ही पूरी भड़ास निकाल देता हूँ मैं। जब मैच जीत जाते तो ठीक है, मैच जब हार जाते हैं तो मैं उनके साथ मतलब क्या नहीं करना चाहिए, अगर मैं गुस्सा भी होता हूँ तो जब उन्हीं के साथ होता हूँ।
तो बस वही कूल कैसे रहता है कि मतलब शुरू से ही वैसा ही है कि आई जस्ट ट्राई टू स्टे काम इन एवरी सिचुएशन, कि मतलब गर्म होके या गुस्सा दिखा के या इमोशन दिखा के ऑन द फील्ड तो कुछ मतलब हो नहीं सकता है। तो अच्छा है कि आप शांत रहो, और अगर गुस्सा होके एक ही आइडिया दिमाग में आ रहा है तो शांत होके आपको दो तीन आइडिया और आ जाएंगे। तो इट्स बेटर टू स्टे इन सिचुएशन, तो आपको एक एक अच्छा सा कुछ भी मतलब आइडियाज और मिलेंगे आपको एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके हमारे पास एक और सवाल है, ये आसिफ जूजर जो के हमारे फैन भी हैं, ये पिछले लास्ट उसमें भी हमसे सवाल किया था। एसबी टी10 लुक्स गुड ऑन टीवी बट द फील्डर्स लुक स्लो, अनफिट थ्रोइंग टेक्निक्स आर नॉट राइट, जस्ट डजंट लुक राइट, डू यू थिंक देयर हैज टू बी अ क्राइटेरिया टू पार्टिसिपेट? मुझे सिर्फ थोड़ा सा ऐड करने दो, ये बड़ा मेरे दिल के करीब का सवाल पूछ लिया इन्होंने, आसिफ भाई ने ना, मतलब मैं पर्सनली भी इस चीज का बिलीवर हूँ कि ये जो इश्यूज जो आपने बोला ना कि वही लोग शुरू से खेल रहे हैं और अभी तक वही खेल रहे हैं 10 साल से, मेरा अपना एक थॉट प्रोसेस ये होता है कि आप अगर फिट हैं और डिलीवर कर सकते हैं, मतलब एक अच्छे लेवल पे, बहुत कॉम्पिटेटिव लेवल पे ना, तो मैं उसको बुरा नहीं मानता हूँ, ठीक है। लेकिन ये जो बोलिए ना बात, ये बिल्कुल जेन्युइन है कि अगर आप हम देखते हैं ना प्लेयर्स जो हमारे पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं तो 90% ऐसे होते हैं कि जो इतने कॉम्पिटिटिव नहीं होते, इतने फिट नहीं होते, उनको इतना आइडिया नहीं होता है चीजों का ना कि किस तरह से खेली जाती है। ये बहुत जबरदस्त सवाल है, उसको बड़ा अच्छा सा जवाब दीजिए आप जरा खुल के। आसिफ भाई मैं भी ये नईम भाई से अग्री करता हूँ कि बहुत सारे ऐसे है जो फिट नहीं करते खेलने के लिए, लेकिन क्या है कि बहुत लिमिटेड ऑप्शन है, मतलब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोयम्बतूर में भी बहुत लिमिटेड ऑप्शंस रहते हैं, बाकी बहुत सारे शहरों की बात करता हूँ कि देर आर, मैं आपको पहले भी बताया कि कोई भी यंगस्टर्स है नहीं आने के लिए। अगर कोई यंगस्टर्स रहता है, अगर एक क्राइटेरिया बनता है कि आपको अगर 11 में है तो दो अंडर 19 के प्लेयर को खिलाना ही है या दो अंडर 22 के प्लेयर्स को आप 11 में खिलाना ही है, तो तब वो सिनेरियो धीरे धीरे बदलेगा। ओवरनाइट तो चेंज नहीं होगा डेफिनेटली, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा, एक साल में, दो साल में। दो अंडर 19 फॉर एग्जाम्पल एसबी टी10 में 18 टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं, अगर एक टीम में 11 में दो अंडर 19 प्लेयर डालते हैं तो ऑटोमेटिकली 36 यंगस्टर्स टीम में आ जाते हैं, 11 में खेलते हैं, और वो 36 यंगस्टर्स के लिए आप दो प्लेयर और लेके आते हैं, मतलब एक टीम में 14 में चार यंगस्टर्स तो आपके पास होंगे ही। तो आप इतने आप कैलकुलेट कर लीजिए कि एक टूर्नामेंट में कितने यंगस्टर्स आ जाएंगे। तो वैसे एक टूर्नामेंट में अगर एक या दो यंगस्टर भी थोड़े बहुत लाइमलाइट में आ गए कि ये लोग अच्छा कर रहे हैं, तो उनके ऊपर थोड़ा बराबर और मेहनत उनके ऊपर कर सकते हैं। तो ये मेरी भी एक सजेशन रहेगी जो भी ऑर्गेनाइजर्स है कि ऐसा कोई एक सिस्टम, एक रूल निकाले, एक क्राइटेरिया निकाले, एक एज लेवल के बाद अगर कोई प्लेयर्स परफॉर्म कर रहा है और अपनी टीम के लिए डिलीवर करता है तो ही हैज द राइट टू बी इन द टीम, अदरवाइज देयर आर यंगस्टर्स, उनको आगे लाइए। ठीक है, हारेंगे जीतेंगे वो सेकेंडरी है, लेकिन आगे डेफिनेटली उसको भी एक 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 सीख मिलेगी कि नहीं ठीक है क्या लेवल है, क्या मतलब जो माहौल होता है वहां पे उसको। भाई बिल्कुल सही कहा आपने, ये एक और एक्चुअली हमारे शो का टाइम जो है वो कुछ ऊपर हो गया, एक्चुअली इतनी इंटरेस्टिंग बातें हो रही है आपके साथ कि हमें टाइम का पता ही नहीं चला, तो मैं एक या दो क्वेश्चन और भाई मैं लूंगा, तो प्लीज आप इनका रिप्लाई दिए। भाई हाउ इम्पोर्टेंट Important is for captain to handle the team in clutch moment. ये मौलत दुरानिया प्रीमियर लीग से है, कराची से सवाल। जी, जो कैप्टन होता है जो टीम का, उसका सबसे बड़ा हाथ रहता है, जो क्रंच मोमेंट है उस पे आपको मतलब 10 लोग हैं टीम में, आपको 10 सजेशंस देंगे, इसको ये करें, वो करें, ये करें, लेकिन फाइनली जो डिसीजन रहता है वो कैप्टन का ही रहता है। एंड आई ऑलवेज बिलीव के जो कैप्टन जो इंट्यूशंस रहता है कि नहीं यही करना चाहिए, तो यू हैव टू ऑलवेज बैक योर कैप्टन, कि कैप्टन जो कहेगा वो, ही मे बी राइट 9 out of 10 टाइम्स, ही माइट फेल, एक टाइम पे वो फेल भी करता है, लेकिन यू हैव टू ऑलवेज बैक योर कैप्टन। ओके यूसुफ फिदाली इनका ले ले सवाल, एक सवाल है हमारा हमसे कि 2 इयर्स बैक टू केम टू शारजा टू प्ले अ टूर्नामेंट, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद लोकल टीम्स इन यूएई And what's your advice? एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। जब मैं 2 साल पहले यूएई गया था रमजान टूर्नामेंट खेलने के लिए, शारजा में मैंने पहली बार खेला, वहां पे मैंने
पहली बॉल बॉलिंग की थी शारजा में, मोहम्मद बूटा करके एक बैट्समैन था, ही हैज गॉन टू रिप्रेजेंट द यूएई नेशनल साइड, तो ही हिट द बॉल आउट ऑफ द ग्राउंड, पहला बॉल मेरा, सेकंड बॉल डाला वापस उसने बाहर मार दिया, तो वैसे करके पहली ओवर में मेरे 3 छक्के गए, सेकंड ओवर वापस मैंने डालिंग बॉलिंग की, वापस उसने मुझे 2 छक्के मारे, तो मेरा जो 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 इनिशियल एक्सपीरियंस था इट वॉज वेरी बैड, एंड वो जो जो टूर्नामेंट के लिए मैं गया था रमजान में बहुत ही एक एक डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस था, लेकिन उसके बाद जब मैं वापस आया और अगेन आई हैड टू गो फॉर द एसबीटी टूर्नामेंट, मैं थोड़ा और प्रिपेयर होके गया, एंड कंपेयर टू दैट आई डिड वेल इन द नेक्स्ट टाइम। ओके, अच्छा उनसे हम एक बात कर रहे थे, एक बात कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट वहां पर एक पॉइंट था, हम जो आपने कहा ना कि हमें 2 प्लेयर यंगस्टर्स और इस तरह की चीजें, इसमें 2 चीजें हैं, आप भी क्योंकि इतने सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, कम्युनिटी के लिए अगर आपके भी इनपुट्स होंगे तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव हम बात कर सकते हैं इसके बारे में। 2-3 चीजें, एक मेन इशू ये आता है जो मैंने रीड किया है कि जो टीमें बन के आती है मोस्टली ज़ाहिर प्लेयर्स जो है वो पैसे जो है वो दे के आते हैं, ठीक है, जब वो पे करके आते हैं खेलने के लिए तो ज़ाहिर है आप जो कैप्टन या मैनेजमेंट होती है उस टीम की वो उनको आप बिठा नहीं सकते, अगर बिठाते हैं तो फिर ये सवाल आता है जी हमने पैसे दिए हुए, एक ये मेजर इशू है जो टीम्स को हिट करता है जो मैंने जितना रीड किया है, ठीक है। दूसरा ये कि हमारी जो टीमें बनती हैं अगर आप थ्रू आउट द ईयर देखें, कोई कोई मोस्टली मैं ये नहीं कह रहा सारे लोग, मोस्टली पूरे साल कितनी टीमें ऐसी हैं जो मेहनत करती हैं या किसी सिस्टम को फॉलो कर रही हो, अगर हम अपनी बात करें तो यहाँ पर यह है कि हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि हमने रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, ये तो अभी लॉकडाउन की वजह से सारा बंद हुआ हुआ है, प्रैक्टिस करनी है, सर्टन स्टैंडर्ड्स हमने मेंटेन कर दिए कि ये आपको फिटनेस के लेवल जो है मेंटेन करने पड़ेंगे, आपको अपनी पार्टिसिपेशन प्रैक्टिसेस के अंदर इतनी रखनी पड़ेगी, अगर उसको मीट नहीं करते हैं या हमारे जो फिटनेस के टेस्ट हैं वो आप मीट नहीं करते हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान नादिर बुरहानी टीम इन एनी इवेंट। तो ये हमने एक बड़े स्ट्रिक्ट क्राइटेरियाज रख दिए हैं, क्या ये इस तरह की चीजें और जगहों पर फॉलो करना क्या मुश्किल है इस चीज का, आपका क्या इस बारे में इनपुट है? ये जो जो पैसे का बात है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, मतलब जो अपना अपने टूर्नामेंट्स रहते हैं आप भी जानते हैं कि वी हैव टू ट्रैवल अ लॉट फॉर दैट, एंड आजकल क्रिकेट इतना एक्सपेंसिव हो गया है कि नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड इट, जो अच्छे प्लेयर है वो शायद अफोर्ड ना कर पाए, तो यही एक इसके थ्रू मैं यही अपील करना चाहूंगा कि जो भी क्रिकेट लवर्स है अपने एरिया के जो भी है वो आके अगर जो क्रिकेट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको सपोर्ट करें, एंड अभी तक हमने जो यहाँ पे क्रिकेट खेला है जो भी कम्युनिटी क्रिकेट खेला है वी हैव ऑल प्लेड विद आवर ओन मनी, एंड जो भी क्रिकेट लवर्स रहते हैं मतलब अगर एक टीम में है कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता है उसका ट्रैवल है उसका जो भी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है तो हम लोग ने साथ मिलकर उसको बैर किया है और उसको लेके गए पैसे दिए हैं उसके लिए आके उसको टीम में खिलाना है वैसा तो कभी हुआ नहीं है, वैसा होना भी नहीं चाहिए, अगर वैसा होता है तो दैट इज द वर्स्ट थिंग कैन हैपन। तो मेरा 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 ख्याल तो वही है कि जो जो पैसा का बात है इधर में तो क्रिकेट लवर्स आके वो सॉल्व कर सकते हैं आगे। नहीं, इसको आप इस तरह कह सकते हैं कि हमें डोनेशंस नहीं चाहिए, हमें सिस्टम ऐसे डेवलप करने चाहिए कि स्पॉन्सरशिप के ऊपर जाना चाहिए, अब दुनिया इसी के ऊपर स्पॉन्सरशिप मिलने चाहिए, स्पॉन्सरशिप के थ्रू ही सारी टीम्स और इस तरह के इवेंट्स में जाने के लिए हम पार्टिसिपेट करने के लिए चीजें रन होंगी, तभी आप जो कह रहे हैं ना इम्प्रूव नहीं हो रही है, ये इम्प्रूव वक्त होगी जब हम डिमांडिंग होंगे, जब स्पॉन्सरशिप होगी तो अपने प्लेयर्स के साथ डिमांडिंग हो सकते हैं कि जी आपके फिटनेस के लेवल अच्छे नहीं है हम आपको नहीं खिला रहे, तो ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन डेवलप होगा और हर जगह से अच्छे प्लेयर्स आना शुरू करेंगे। हमारे पास सवाल तो बहुत सारे हैं, मैं वन बाय वन लेता हूँ। एक और सवाल यूसुफ फिदाली ने एक और सवाल किया है, यूसुफ फिदाली बल्कि इन्होंने आपके सवाल का जवाब ही दिया है, तो हम मजीद दूसरे क्वेश्चन जुल्फिकार मत्तारिया वाला ने आपसे सवाल किया, अस्सलाम वालेकुम, माय क्वेश्चन, यू सीनियर members, how do you see a selection criteria fairness? Do you observe favoritism based on relation or position high ranking people in our community norm? ये इन्होंने selection के बारे में आपसे सवाल किया है, सुल्फिकार मार्तिया। ये अपनी community में बहुत मतलब हमारे यहाँ तो नहीं होता है, अगर
जो कम्युनिटी क्रिकेट खेलता है, जो क्रिकेट के बारे में जानता है, अगर वही क्रिकेट सिलेक्शन में इन्वॉल्व हो तो बहुत अच्छा है। अगर कोई बंदा क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं जानता है, अगर वो अपनी टिप्स देता है तो ऐसे डिफरेंसेस जरूर आएंगे कि इसको इसको लेके जाना चाहिए, इसको लेके जाना चाहिए, इसको लेके जाना चाहिए। यू जस्ट लीव इट टू ए कपल ऑफ गाइज और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दे दीजिए मैनेजमेंट को या कोच को या कैप्टन को, आप सेलेक्ट करो लेके जाओ, तो ये सब डिफरेंसेस डेफिनेटली नहीं आएंगे। अगर आप ज्यादा पीपल को इन्वॉल्व करोगे तो डेफिनेटली ये डिफरेंसेस आएंगे। यू स्टिक टू वन और टू गाइज, उनके ऊपर आप विश्वास करो कि नहीं ये लोग अच्छी टीम बनाएंगे और लेके जाएंगे। अगर आप दो के चार या छह पे इन्वॉल्व, जितना ज्यादा इन्वॉल्व करोगे उतना कंफ्यूजन ज्यादा होगा। ओके, एक और मोहल्ला बुरानिया से एक सवाल है। उजैर भाई, जस्ट लाइक नईम भाई सेड दैट देयर इज अ प्रोसेस एंड डिपार्टमेंट व्हिच ब्रिंग्स टैलेंट फ्रॉम कम्युनिटी विदाउट स्पेंडिंग फंड, डू यू थिंक दिस प्रोसेस एंड प्लेटफॉर्म शुड बी फॉलोड? यस, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इट शुड बी फॉलोड। जो नईम भाई के जो वहाँ पे कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है, इट शुड बी फॉलोड एवरीवेयर। और यहाँ पे भी इंडिया में भी फॉलो होता है, देर आर प्लेसेस जहाँ पे अच्छी तरह फॉलो करते हैं पीपल हु कम फॉर प्रैक्टिस रेगुलरली। एंड जैसे नईम भाई बोलते हैं कि उनको उनका जो टैलेंट है वो शोकेस करने के लिए एटलीस्ट साल में एक दो टूर्नामेंट तो होना ही चाहिए। अगर ये टूर्नामेंट नहीं होते हैं तो उनका जो पूरा साल का मेहनत है वो उनको भी एक डिमोरलाइजिंग जैसा हो जाता है कि मुझे मेरा टैलेंट शोकेस करने का कोई मौका मिला नहीं है। तो जो बात नहीं मैंने की, आई टोटली एग्री विद दैट। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास हमारे व्यूअर्स ने बहुत सारे इसी तरह के सवाल किए थे आपसे, बट अनफॉर्चुनेटली आपने जो है सबके ही रिप्लाई दे दिए हैं। तो मैं अपने व्यूअर्स से कहूंगा थैंक यू सो मच आप लोगों के सवालों का, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमसे जो सवाल किए। बहुत अच्छा रहा आपके साथ हमारी ये शो के अंदर मीटिंग। मुझे सबसे ज्यादा खुशी है कि यूजुअली हमारे इंडिया और पाकिस्तान में भी एक ये कॉन्सेप्ट है कि इंडिया पाकिस्तान के इश्यूज हैं, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि जी हमारे साथ इंडिया से प्लेयर मौजूद हैं। और जी, बहुत अच्छा रहा आपके साथ बात करके, और आपने भी अपना दिल खोल के बयान किया। अपना लास्ट कोई मैसेज देना चाहें आप हमारी जो भी एक जनरल वे में, या आपने जो भी आपने क्रिकेट खेली और आप समझते हैं कि ये आपके दिल की बात है, तो वो आप एक मैसेज दें हमें। मेरा एक मैसेज यही होगा कि अपने जो यंगस्टर्स है, जो भी है, मतलब यंगस्टर्स नहीं भी है, मेरे साल मेरे एज के हैं, आपके एज के जो भी है, अगर कुछ अगर क्रिकेट में आप ट्राई करते हो और वो सक्सेस नहीं होता है तो उसको स्टॉप मत कीजिए, उसको एक और बार ट्राई कीजिए, दो बार ट्राई कीजिए, दस बार ट्राई कीजिए, डेफिनेटली वो सक्सेस होगा आपको, एक ना एक दिन तो डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा। थैंक यू ओज़ेफा, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू, थैंक यू टू अवर व्यूअर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं हमारा नेक्स्ट शो 3 मई को है, और हमारा आपसे एक सवाल है कि गेस करें हमारे नेक्स्ट जो व्यूअर होंगे, जो नेक्स्ट हमारे गेस्ट होंगे वो कौन होंगे। हम उनका सिर्फ सिटी बताते हैं, बाकी आपको नाम गेस करना है। वो सिटी है नासिक। नासिक से हमारे पास जो नेक्स्ट गेस्ट होंगे, आपको उनका नाम हमें बताना है हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे, और उसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह संडे का शो आपको और मजा आएगा। हमारे बहुत जबरदस्त प्लेयर हैं कम्युनिटी के नासिक से, जो खेलते हैं क्रिकेट उनको तो समझ में आ गया होगा, जो नहीं खेलते वो हमें शो में जरूर ज्वाइन कीजिएगा संडे को 10 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम पे। थैंक यू वेरी मच, अपना फीडबैक जरूर। थैंक यू अल्लाह, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को ताकि नेक्स्ट आपको ऑटो सब्सक्राइब मिल जाए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।